हमीरपुर में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही फिर से सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा था, जिसे प्रशासन द्वारा सीमेंट के साथ बंद करवाया गया। लेकिन इस सीवरेज को बंद करने के बाद दूसरी तरफ फिर से सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा है, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिससे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच बना सीवरेज ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच सीवरेज का ढक्कन ऊपर की ओर उठा हुआ था, जिसे प्रशासन द्वारा सीमेंट के साथ बंद करवाया गया है। लेकिन इसे बंद करने के बाद बस स्टैंड के सामने कुछ ही दूरी पर एक और सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसके बारे में बार बार चेताया जाता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो जब भी बारिश होती है सीवरेज का आगे बड़ा खड्डा ऊपर तक जाता है, जैसे फुहारे लगे होते हैं। अब ये इन्होंने सीमेंट लगा के बंद किया, अभी सड़क नहीं बनी हुई है। वो आगे वाला खड्डा जो है उन्होंने अभी तक सीवरेज का कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, पूरी सड़क उखड़ गई, गाड़ियां आ रही हैं, पूरी दुकान में छिपे पड़ रहे हैं और बदबू से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कुछ खाने पीने वाली दुकानें भी हैं,